अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर भी जरूर हिट करें ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाए। और भी रेसिपीज और बहुत सारे अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मैंने दिया है, आप उसे जरूर चेक करें। अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप तुअर दाल। इसको हम अच्छे से 2-3 बार साफ पानी से धो लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल अच्छे से धुल चुकी है। तो अब स्टार्ट करते हैं सांभर बनाना। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके का वेजिटेबल ऑयल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम गर्म होने देंगे और तेल के गरम होते ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स या राई। इसको हम अच्छे से तड़कने देंगे। तो यहाँ पर हमें ये मज़ेदार तड़का देने के लिए तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैंने ऐड किया 7 से 8 करी लीव्स, करी पत्ते जैसे हम कहते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच किसा हुआ लहसुन। इसको हम 30 सेकेंड तक सॉटे कर लेंगे या हल्का सा ब्राउन होने तक ही सॉटे करेंगे इसे। और नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही 1/4 चम्मच हींग। और इसे भी हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप प्याज, जिसको स्लाइसली कट कर लिया हमने। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टमाटर, जिसको बारीक कट कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर अब हम एक एक करके सारी सब्जियाँ डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया 2 गाजर बारीक कटी हुई, 1 कप गोभी बारीक कटी हुई। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप बारीक कटा हुआ बैंगन। तो यहाँ पर सब्जियाँ आप अपनी पसंद से और अपनी टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और अब इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इन मसालों के साथ, ताकि इसका जो खुशबू है, इसकी जो फ्लेवर्स है, वो सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दाल, जो कि हमने पहले अच्छे से इसे धो लिया था। तो इस दाल को भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये एकदम फटाफट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही यमी भी लगती है और काफ़ी इंस्टेंटली बन जाती है ये। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दाल ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। 3-4 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जैसा कि 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर सांभर मसाला ऐड करेंगे, सांभर मसाला पाउडर किसी भी ब्रांड का। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इमली का पानी। तो यहाँ पर 1/3 कप यहाँ पर इमली का पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और इस इमली को पानी, गर्म पानी के साथ मैंने इसे पहले ही भिगोकर रखा था 10-15 मिनट के लिए। और इसे मसल कर जो इसका पानी है वो हमने अच्छे से निकाल लिया है और इसको एक छन्नी से ड्रेन कर लिया है, छन्नी से छान लेना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। साथ ही इसमें हम मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कि बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दाल ली थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। और बाकी जो सांभर की कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पर जब ये पक जाएगा उसके बाद हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर अब हम इस सांभर को एक हल्का सा एक बॉईल आने देंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक बॉईल यहाँ पर आना शुरू हो चुका है और कितना कलरफुल एंड यमी लग रहा है ये। तो एक बॉईल के आते ही इसे एक बार मिक्स करेंगे और कुकर का ढक्कन यहाँ पर लगाकर इसे 3 सीटी आने तक हम पका लेंगे। और यहाँ पर 3 सीटी भी आ चुकी है, कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है, स्टीम आउट हो चुकी है। इसे ओपन करके चेक करते हैं। वाओ, लुक एट दिस, कितना कलरफुल एंड यमी लग रहा है ये। दाल भी यहाँ पर अच्छे से गल चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। और इसे हम मिक्स करेंगे।
तो यहाँ पर दाल को अच्छे से मैश करना है या बेसिकली इसे घोटना है। तो यहाँ पर कोशिश रहे दाल को हम अच्छे से घोट लें यहाँ पर, और इस पॉइंट पे आप सांभर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं, जितना पतला जितना गाढ़ा आपको सांभर यहाँ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आधे कप के आसपास यहाँ पर पानी ऐड किया है इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर चाहें आप तो मदानी की सहायता से भी इसको अच्छे से घोट सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे दाल को अच्छे से घोट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर कंसिस्टेंसी हमारे सांभर की यहाँ पर, और कितने अच्छे तरीके से दाल भी यहाँ अच्छे से घोट लिया है मैंने। और बस यहाँ हमारा ज़बरदस्त मज़ेदार और इतना इंस्टेंट कुकर में फटाफट से बनने वाला सांभर एकदम रेडी है। तो अब मैं इसे ट्राई करती हूँ इडली के साथ, क्योंकि इडली एंड सांभर आई जस्ट लव इट एंड आई जस्ट कांट वेट टू ईट इट। तो ये रवा इडली की रेसिपी भी आप ज़रूर देखें मेरे चैनल पे, और इसे ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। एंजॉय।